हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। सो आज हम करने वाले हैं ब्राउन टोन फोटो एडिटिंग। तो इसके लिए आपको ऐसा ऐसा कुछ फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा। तो हम मोबाइल से क्लिक किए हैं, तो देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो एडिट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो आ गए हम अपने लाइट रूम में। सो ये हम फोटो ले लेते हैं ये वाला। तो ये फ़ोटो हम ले लिए हैं, इसको हम पहले क्रॉप करेंगे। इसको फ़ोटो हम काट लेते हैं पहले यहाँ से, और इसको सही कर लेते हैं। सही करने के बाद हम इसका फिर लाइट सही करेंगे पहले। तो लाइट सही करते हैं, इसका शैडो थोड़ा बढ़ा देते हैं प्लस की तरफ, और उसके बाद हम इसका हाईलाइट थोड़ा कम करेंगे ना, और कंट्रास्ट थोड़ा कम कर लेते हैं, वाइटनेस थोड़ा बढ़ा देंगे प्लस की तरफ, और ब्लैक्स थोड़ा कम करेंगे। इतना करने के बाद कलर में आएंगे। कलर में आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा इसका बढ़ा देते हैं 6 के आसपास, टिंट थोड़ा बढ़ाएंगे, और वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि इसका कलर आ जाए। सैचुरेशन थोड़ा माइनस तरफ कर लेते हैं। इसके बाद आएंगे मिक्स में। मिक्स में आने के बाद ग्रीन कलर का यू चेंज करेंगे, पूरा माइनस कर देंगे, येलो का भी पूरा माइनस कर देते हैं। इतना करने के बाद फ़ोटो हम सेव कर लेते हैं। फ़ोटो सेव करने के बाद जो है सो पहले हम जो फ़ोटो सेव किए थे वो फ़ोटो हम ले लेते हैं। सो ये रहा फ़ोटो, इसको हम ले लेते हैं, या इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसको फिर कलर में जाएंगे, और इसका कलर को हम ग्रीन कलर को भी फिर से हम यू चेंज करेंगे, और येलो का भी यू चेंज करेंगे। येलो का फिर सैचुरेशन थोड़ा माइनस तरफ करेंगे। इतना करने के बाद स्किन के कलर में आएंगे। स्किन के कलर में आने के बाद इसका हम सैचुरेशन थोड़ा माइनस करेंगे। इतना करने के बाद इसका यू थोड़ा प्लस की तरफ करेंगे, और इसके बाद लूमिनस इसका बढ़ाएंगे ताकि स्किन पे जो है थोड़ा लाइट आ जाए। रेड में आएंगे। रेड में आने के बाद सैचुरेशन इसका माइनस करेंगे थोड़ा, और यू थोड़ा प्लस की तरफ करेंगे, और इसका भी लूमिनस थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ताकि सब जो स्किन पर लाइट आ जाए। ब्लू वाला कलर पर इसका जो है यू चेंज कर लेंगे। इतना करने के बाद हम आएंगे मास्किंग में। मास्किंग में आने के बाद प्लस वाला पे जाएंगे, और लाइनर वाला पे को सेलेक्ट करेंगे, और लाइनर वाला को सेलेक्ट करके इसे नीचे से खींच के ऊपर तरफ इतना ले आएंगे। उसके बाद लाइट में जाएंगे। लाइट में जाने के बाद इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर लेते हैं इतना। इसके बाद इफेक्ट में आएंगे, क्लैरिटी इसका बढ़ा लेंगे। फिर से हम एक और लाइनर लेंगे इधर से, ऐसे करके नीचे से खींच के, फिर इसका लाइट हम थोड़ा एक्सपोजर जो है कम कर लेंगे, इसका फिर क्लैरिटी बढ़ा देंगे। एक और लाइनर ले लेते हैं इस तरफ से ऐसे, और इसका भी वैसा ही करेंगे, एक्सपोजर थोड़ा कम कर देंगे, इफेक्ट में आके क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद जो है सो हम फोटो पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद जो है बैकग्राउंड इसका ब्लर करेंगे। इसका बैकग्राउंड ब्लर करने वाले हैं, तो इसको हम कट कर लेते हैं, और जाएंगे पिक्सआर्ट में। पहले फ़ोटो लेने के बाद टूल्स में आएंगे। टूल्स में आने के बाद रिमूव पे जाएंगे, और इसको हम ऐसे जो हमारा सब्जेक्ट है इसको काट लेंगे, ब्रश कर लेते रहते हैं पहले इसको ऐसे। तो अच्छे से पहले आपने जो सब्जेक्ट है इसको ब्रश करके सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। सो इतना करने के बाद हम इसको रिमूव जो है यहाँ पे है इसको हम रिमूव वाला पे रिमूव कर लेंगे इसको। सो ये हमारा रिमूव हो गया, तो इसको हम सही कर लेते हैं। सही करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सो सेव करने के बाद हम जाएंगे स्नैपशीट में। तो स्नैपशीट में जाने के बाद वही बैकग्राउंड को ले लेंगे जो हम स्नैप पिक्सआर्ट में सेव किए थे। उसको लेने के बाद हम टूल्स पर जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद लेंस ब्लर पर क्लिक करेंगे,
इसका जो बिगनेट है हम कम कर लेते हैं पूरा जीरो, और उसके बाद ब्लर जो है इसका ऐसे करके कर लेंगे इतना। इतना ब्लर करने के बाद जो है सही कर लेते हैं। सही करने के बाद ये इस पे जाएंगे, व्यू एडिट पे जाएंगे, ब्रश वाला पे जाएंगे। तो इसका हम दूर का जो सब्जेक्ट है इसको हम ब्लर कर लेंगे पहले। इतना करने के बाद सही कर लेते हैं। सही करने के बाद इसको ऐसे कट कर देंगे। फिर से जाएंगे लेंस ब्लर पे। लेंस ब्लर पे जाने के बाद इसको हम ऐसे क्लिक करके ऐसे कर देंगे। इसके बाद बिगनेट इसका हम जीरो कर देंगे। ट्रांजेक्शन पे आएंगे, इसका पूरा फुल कर देंगे। इतना करने के बाद इतना बड़ा कर लीजिएगा। ब्लर वाला पे जाएंगे, ब्लर वाला जितना रखना चाहते हैं आप ब्लर उतना ऐसे करके रख लीजिएगा। इतना करने के बाद जो हम सही कर लेते हैं, सही करने के बाद फोटो फिर हम इसको सेव कर लेंगे। सो सेव करने के बाद हम जाएंगे फिर से पिक्सआर्ट में, और पिक्सआर्ट में जाने के बाद जो स्नैपसीड में सेव किए थे इसको हम ले लेंगे। और यहाँ पे लेने के बाद जो है काटे थे वो वाला फ़ोटो ले लेंगे लाइटरूम से जो एडिट किए थे। सो यहाँ पे ले लेते हैं इसको। इसको लेने के बाद ऐसे पूरा परफेक्टली यहाँ पे बैठा देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक रिमूव बीजी लिखाया हुआ है, इस पर जाएंगे और रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। सो ये हमारा बैकग्राउंड कट हो चुका है। तो इसको हम फिर इरेजर वाला पे जाएंगे, साइज़ अपने मुताबिक रख लीजिएगा। इतना करने के बाद सही कर लेते हैं, और इसको देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर हो चुका है कितना अच्छे से। फिर से हम फोटो को सेव कर लेंगे। सो हम फोटो सेव करने के बाद जाएंगे स्नैपसीड में। तो स्नैपसीड में जाने के बाद इसको फ़ोटो जो हम सेव किए थे वो ले लेते हैं। इसके बाद इसको जो है हम थोड़ा स्किन को थोड़ा गोरा करेंगे। तो टूल्स पे आने के बाद सेलेक्टिव टूल्स पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे फेस को ऐसे करके, और इसका जो है लाइट थोड़ा बढ़ा देंगे इतना। इतना करने के बाद जहाँ जहाँ पे जो ब्लैक है शैडो वहाँ वहाँ पे आप सेलेक्ट करके ऐसे करके लाइट ला सकते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ गया। यहाँ पे जहाँ 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 पे कम लाइट है वहाँ पे ला सकते हैं यहाँ पे सेलेक्टिव से। तो आप भी कर लीजिएगा ऐसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया यहाँ पे। अब इसका जो है हम जो होठ है इसको थोड़ा रेड करेंगे। तो यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एक बैकग्राउंड है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं से, क्रोम पे से या कहीं से। ऐसे यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे। इसका जो है सेचुरेशन पूरा माइनस कर लेते हैं। अगर सही कर लेंगे, सही करने के बाद व्यू एडिट पे जाएंगे, इसको ब्रश कर देंगे। ब्रश पे जाने के बाद जो हमारा होठ है इस पर थोड़ा ब्रश करेंगे ऐसे। इतना करने के बाद सही कर लेंगे। फिर इसको हम एडिट पे जाएंगे, इसको हम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको हम पूरा जीरो कर लेंगे। देखिए ये हमारा लिप्स लाल हो गया, रेड हो गया। तो इतना करने के बाद सही कर लेते हैं, फोटो हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है हम इसका फेस जो है स्मूथ करने वाले, तो स्मूथ यहाँ से शेयर करके ऑटो स्केच बुक में जाएंगे। तो ये हमारा फोटो आ गया। तो यहाँ पे हम स्मूथ करेंगे इसको, ये वाला ब्रश पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, और देखिए फ्लो को हम 3 पे रखेंगे, और इसका स्ट्रेट जो है 8 पे रखेंगे। साइज अपने मुताबिक रखिएगा, और उसके बाद ऐसे आराम आराम से कीजिएगा। स्मूथ हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेंगे, यहाँ से गैलरी पे जाके सेव कर लेंगे फ़ोटो को। सो ये फ़ोटो सेव हो चुका है यहाँ पे। इतना करने के बाद फिर से हम जाएंगे लाइट रूम में। तो ये हम लाइट रूम में आते हैं, फिर से हम वही फ़ोटो को हम ले लेते हैं, स्मूथ किए थे वो वाला फ़ोटो को हम पहले ले लेते हैं। तो ये हम फोटो ले लिए हैं, कलर में जाएंगे, और कलर में जाने के बाद इसका जो है मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद
स्किन का कलर है उसको थोड़ा हम माइनस की तरफ ऐसे करेंगे, इसका यू चेंज करेंगे, रेड में आएंगे, रेड का भी ऐसे माइनस करेंगे। इसका स्किन का जो यू है रेड कलर का, इसका भी प्लस की तरफ बढ़ा देते हैं। और इतना करने के बाद ब्लू कलर पे आएंगे, इसका जो है यू चेंज कर लेंगे। और फिर हम जाएंगे ग्रेडिंग में, ग्रेडिंग में जाने के बाद शैडो जो है इसको हम सैचुरेशन पहले फुल करेंगे। शैडो में जो कलर रखना चाहते हैं ये हम ब्लू कलर रखते हैं थोड़ा सा, और इसका जो है सैचुरेशन इतना रख लीजिएगा 20 के आसपास। फिर हाईलाइट में जाएंगे, हाईलाइट का जो है सैचुरेशन फुल कर लेंगे, और इसका जो है ये वाला कलर जो ले लेंगे। उसके बाद इसका सैचुरेशन 13 के आसपास रख लेंगे। इतना करेंगे, करने के बाद डन कर लेते हैं। उसके बाद लाइट में जाएंगे, लाइट में कॉर्न में जाएंगे, इसका ब्लू कलर जो है इसका हम थोड़ा ये नीचे की तरफ ऐसे करेंगे ताकि येलो टोन थोड़ा आ जाए अपने फोटो में। ग्रीन में जाएंगे, ग्रीन को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे। इतना करने के बाद फिर मास्किंग में आएंगे, और मास्किंग में आने के बाद जो सेलेक्ट स्काई जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसका लाइट में आएंगे, टेम्परेचर थोड़ा माइनस की तरफ कर लेते हैं। इतना करने के बाद फिर से हम एक राइडर लेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को ऐसे। इतना करने के बाद इसको इनपुट कर लेते हैं, लाइट में आएंगे, इसका एक्सपोजर थोड़ा कम करेंगे, और इफेक्ट में जाके क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं। इतना करने के बाद जो हम डिटेल में आएंगे, इसका शार्पनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं। इतना करने के बाद फोटो हम सेव कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा फोटो। सो आज के वीडियो में इतना ही था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय।